कि ऐसा कोई हम लोग पास सूचना नहीं है, एनडीए के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे मोकामा या गोपाल, आपको पता चल जाएगा। 12 घंटा इंतजार करिए, पता चल जाएगा किसको हम लोग समर्थन करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव है और ऐसे में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान जो है वो एनडीए गठबंधन में है और आने वाले समय में गोपालगंज और मोकामा दोनों सीटों पर चुनाव प्रचार करने जाएंगे। हालांकि इस बयान के बाद काफी नई चीजें देखने को मिली हैं, जहां पर लोजपा रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने साफ कर दिया है कि चिराग पासवान कहीं नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि ना तो उन्हें पता है, ना ही चिराग पासवान ने कोई औपचारिक बयान दिया है, ना ही ऐलान किया है कि वो जाने वाले। तो ऐसे में जो प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा था उस पर अब पूर्ण विराम लग गया है, चिराग पासवान कहीं नहीं जाने वाले। जब राजू तिवारी से पूछा गया कि क्या आने वाले समय में दोनों सीटों पर किसको समर्थन करने वाली है लोजपा रामविलास, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि 12 घंटा रुक जाए, सारी चीजें साफ हो जाएंगी। क्या कुछ कह रहे हैं राजू तिवारी, पहले आप सुने। चिराग पासवान भाजपा के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए मोकामा और गोपालगंज जाने वाले हैं, किन कारणों से आप लोगों ने उन्हें समर्थन दिया है, क्या कुछ है? नहीं, अभी तो हमको यही नहीं, हमारे नेता के द्वारा दिशा निर्देश मिला है कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे। अभी तो हम इसी पे नहीं हैं, हमारे नेता किसी कारणवश दिल्ली में हैं, उनका पूरा परिवार पटना में है, घर पे छठ होता है उनके घर में, और आज आने वाले थे, अभी तक सूचना नहीं प्राप्त हुई है। अभी ऐसा कोई हम लोग पास सूचना नहीं है को एनडीए के पक्ष में प्रचार करने जाएंगे मोकामा या गोपालगंज। और दूसरा ये आपसे जानना है कि इस बार क्या लगता है उपचुनाव में कौन बाजी मारेगा, भाजपा या महागठबंधन? तो वहाँ की जनता बताएगी ना। देखिए, हम लोग जनता जनार्दन मालिक है, जिसको चाहेगी उसको बनाएगी, जिसको चाहेगी उसको नहीं बनाएगी। जी, इस बार के उपचुनाव में क्या मुद्दे, क्या ऐसा मुद्दा होगा? अब उपचुनाव में देखिए, बेसिकली उपचुनाव में कोई मुद्दा नहीं होता है। या तो मान लीजिए जैसे गोपालगंज की सीट थी, जो सुभाष जी थे वहाँ के MLA मंत्री थे, उनके स्वर्गवास के बाद वहाँ उनकी पत्नी को मिला है, और वहाँ पर कोर्ट से सजायाफ्ता के बाद उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी से भी लड़ रहे हैं, ललन सिंह की पत्नी लड़ रही हैं, यहाँ भी महागठबंधन लड़ रहे हैं। तो ये चुनाव बेसिकली मुद्दों का नहीं है, मुद्दा यहाँ लोकल मुद्दा होगा ही, विकास का मुद्दा होगा, कितना काम किए हैं ये तो असर पड़ता ही है। तो वहाँ की जनता जनार्दन है, मालिक है, वो जो न्याय करेगी। ऐसे आपकी पार्टी जो है किसको समर्थन खुल करके करना चाह रहे हैं? आपको पता चल जाएगा, 12 घंटा इंतजार करिए, पता चल जाएगा किसको हम लोग समर्थन करेंगे, कि करेंगे कि नहीं करेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। सरकार में शामिल होने की बात चल रही है? देखिए, अगर कोई बात चल रही है ऐसा हमको पता नहीं है, लेकिन बड़े नेता, अगर राष्ट्रीय स्तर के नेताओं के बीच कोई बात चल रही है तो आप लोगों से छुपने की चीज़ नहीं है, ये तो आप लोगों के ही माध्यम से फिर उसको हम लोग आएंगे। तो ऐसा कोई हम लोग को, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का मैसेज आएगा तो स्वाभाविक है आप लोगों को हम लोग शेयर करेंगे। सर, छठ पर्व है और इस पावन पर्व पूरा मनो भगवान सूर्य का पर्व है, और हम लोग तो यही हम लोग की कामना है सूर्य भगवान से कि पूरे देश, पूरे बिहार वासियों की मनोकामना पूरी करें, सबको सुख शांति समृद्धि प्रदान करें। तो आपने सुना किस तरीके से राजू तिवारी का साफ कहना है कि 12 घंटा रुक जाएं, तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। वहीं चिराग पासवान की अटकलों पर उन्होंने पूर्ण विराम लगा दिया और कहा है कि ऐसा कोई चुनाव प्रचार बीजेपी के लिए करने चिराग पासवान नहीं जाने वाले। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही, आप हमारे साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।